CBFS T10 लीग मैच नंबर 14 खेला जाएगा यहाँ पर भाई, SA स्पोर्ट्स क्लब वर्सेस ZGS यानी कि भाई जेड गेम्स स्ट्राइकर्स के बीच में। दोनों टीम्स के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे, कौन सी टीम के कौन से प्लेयर कितने ज़्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे सब कुछ बताने वाला हूँ। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, 1.2 करोड़ की ग्रैंड लीग यहाँ पर आपके लिए लगी हुई है। इस GL कॉन्टेस्ट के लिए मैं आपको भाई 4 से 6 ग्रैंड लीग की स्पेशल टीम प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आप इस वीडियो पर 40 लाइक करवा देते हो तो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आप 40 लाइक करवा देते हो तो मैं आपको भाई ग्रैंड लीग की टीम प्रोवाइड करवा दूंगा। बट स्मॉल लीग की टीम अभी मैं आपको बना के दिखाने वाला हूं। उससे पहले भाई बता दें आपको GL की टीम कहां मिलेंगी, तो टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा होगा, इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको ग्रैंड लीग की टीम्स मिल जाएंगी। प्लस आपको स्मॉल लीग की टीम में अगर कोई चेंजमेंट होता है, जो मतलब मेरी अगर स्मॉल लीग की टीम में कुछ भी चेंजमेंट होता है, तो फाइनल जो स्मॉल लीग की टीम है ना, वो भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अभी के अभी जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए भाई यहाँ से बात करते हैं सीधा दोनों टीम्स के बारे में, उसके बाद भाई आपको टीम भी बना के दिखा दूंगा। हाँ तो भाई टीम की बात करें, उससे पहले एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप देख लीजिए कि क्या यहाँ पर वेन्यू रहेगा, शारजा क्रिकेट स्टेडियम। भाई सब कोई जानता है ये जो ग्राउंड है बहुत ही छोटी बाउंड्रीज वाला ग्राउंड है, यहाँ पर रन्स बनाना थोड़ा सा ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्राउंड। तो यहाँ पर देखिए आपको स्कोर अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, 131 का स्कोर भी बना हुआ है यहाँ पर। बट यहाँ पर भाई जो वीक टीम है वो तो ऑब्वियसली बात है भाई कम ही स्कोर बनाएंगी, चाहे कितना ही अच्छा ग्राउंड है, कितनी अच्छी बैटिंग फ्रेंडली विकेट हो। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी है कि जो मैच है वो कैसे प्रोग्रेस कर सकता है। अगर ZGS की टीम पहले बैटिंग करने आएगी ना, तो भाई इनके हाई चांसेस है कि इनके बैट्समैन अच्छा कर जाए। बट अगर SA स्पोर्ट्स क्लब आएगा तो भाई इसके चांसेस थोड़े से कम रहेंगे कि ये ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, ऐसा चांसेस काफी कम लग रहे हैं। तो यहां पर अगर बात करें तो आप देखिए जो SSC की टीम है, यहां पर आप देखिए इन्होंने एक मैच खेला, एक मैच बहुत ही बुरे तरीके से हार कर आ रहे हैं। ठीक है, ऊपर चलोगे तो ZGS आपको नंबर 2 की पोजिशन पर दिखेगी, जो यहां पर आप देखिए 3 मैच इन्होंने खेले हैं। ठीक है, 3 मैच में से 2 मैच इन्होंने जीते, 1 मैच इनका लॉस में गया। बट यहाँ पर आप ये चीज़ देखिए कि इनकी जो रन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और ये भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में अभी के लिए। तो दोनों टीम्स की एक बार बात कर लेते हैं कि दोनों टीम्स के यहाँ पर मैचेज में क्या कुछ हुआ है। ठीक है, तो सब कुछ आपको बताते हैं, और यहाँ पर भाई आपको बताते हैं कि दोनों टीम्स की क्या बैटिंग ऑर्डर रहेगा, क्या कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे, सब कुछ आपको बता के उसके बाद भाई यहाँ पर टीम आपको बनाकर दिखाने वाले हैं। सबसे पहले SSC की बात करेंगे, कमर हुसैन की बात करें 22 बॉल पर 27 रन की नॉट आउट नो खेली। इसके अलावा मोहम्मद इमरान ओडी की बात करें 15 रन इन्होंने बनाया। इसके अलावा अब्दुल हफीज, रवनी, तनवर, सैद मखूम किसी ने भी यहाँ पर भाई कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं दिखाई। इसके अलावा अगर आप देखोगे इनकी गेंदबाजी, तो गेंदबाजी में सभी के सभी विकेटलेस है। सोएब खटक की बात कर लो, मोहम्मद सकलैन की बात कर लो, कमरान यार, सैफुल्ला नूर या फिर भाई अली मोजम किसी की बात कर लो, तो इनकी टीम से आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन रहेंगे। अगर देखिए इनकी टीम पहले गेंदबाजी करती है उस कंडीशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है सोएब खटक, इसके अलावा कामरान यार, और यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे मोहम्मद सकलैन। ये 3 प्लेयर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही साथ भाई इनके जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है यानी कि भाई कमर हुसैन और यहां से मोहम्मद इमरान और अब्दुल हफीज अफरीदी, ये जो 3 प्लेयर है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब्दुल हफीज अफरीदी आपके लिए CVC के भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि आपको बॉलिंग भी करके दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें भाई ZGS टीम की, तो ZGS की टीम पहला ही मैच खेलकर आ रही थी, और यहां पर भाई इन्होंने पहला ही मैच वन साइडेड विनिंग किया था। इनकी तरफ से रौनक पैनोली के साथ भाई शाहरुख हामिद ओपन करने आए थे, रौनक पैनोली ने अकेले ही मैच विन करवा दिया था यहां पर, 24 बॉल पर 61 रन की नॉट आउट नॉक खेली थी। बात करें अगर इनकी गेंदबाजी की, तो तैमूर बैट्टी ने यहां पर भाई आप देख सकते हो 2 ओवर में 2 विकेट निकाले, दानिश कुरैशी ने 1 विकेट निकाला, मोहम्मद इस्माइल ने यहां पर 1 विकेट, मुबीन अली 2 विकेट, फैजल अल्ताफ 1.3 ओवर में 4 विकेट निकाल कर ले गया। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें भाई इनका जो दूसरा मैच यहाँ पर खेला गया था वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो अपना दूसरा मैच है, ये अपना दूसरा मैच हार के आ रहे हैं किसके सामने, SVDJ के सामने। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनकी तरफ से शाहरुख अमीन ओपन करने आए थे, अब्दुल्ला सलीम कुछ खास नहीं कर पाए, बाबर आगा की बात करें तो 50 रन बनाए, आहान फर्नांडिस की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने 10 रन बनाए, सरदार बैजाद ने कुछ खास नहीं किया, फैजल अल्ताफ ने भी कुछ खास नहीं किया। गेंदबाजी में आ जाइए भाई, गेंदबाजी में शाहरुख अमीन
ने अगेन एक विकेट निकाली। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे इरफान खटक की, तो इन्होंने दो विकेट निकाले। मोहम्मद इस्माइल विकेटलेस गया। मोहम्मद अजहर की बात करें यहाँ पर भाई विकेटलेस गया। मुबीन अली ने कुछ खास यहाँ पर नहीं किया था। बट यहाँ पर आप देखिए जो इनकी तरफ से बैटिंग है उसमें भाई यहाँ पर आपको एक बाबर आगा की अच्छी नोक देखने को मिल जाएगी। इनका जो तीसरा मैच है वो भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने तीन मैच खेले तो तीनों मैच एक बार देख लेते हैं। ZGS की टीम अपना तीसरा मैच विन करके आ रही है। यहाँ पर भी रौनक पैनोली ने वापसी की और यहाँ पर आप देखिए नौ बॉल पर 22 रन की ताबड़तोड़ नोक खेली। शाहरुख आमिर कुछ खास नहीं कर पाए। इसके अलावा सफीर तारिक ने 12 रन बनाए, बाबर आगा 9 रन। यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी जो इनकी टीम की परफॉर्मेंस है। यहाँ पर देखिए रौनक पैनोली ने दो ओवर की गेंदबाजी करते हुए चार विकेट भी निकाले। शाहरुख हामी ने एक विकेट। इसके अलावा आप देखोगे इरफान खटक एक विकेट, तैमूर भाटी ने भी एक विकेट निकाला, फैजल अल्ताफ ने भी एक विकेट निकाला है। ठीक है, अब चलिए भाई मैं आपको डायरेक्ट टीम बना के दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगेन एक बार याद दिला दूं दोस्त, अगर अभी भी आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि भाई ग्रैंड लीग के साथ साथ स्मॉल लीग की भी टीम आपको मिलेगी। ग्रैंड लीग की टीम लेना आपके हाथ में भाई, अगर आप वीडियो को 40 लाइक के टारगेट तक पहुंचा देते हो तो आपको GL की टीम मिलेगी, अदरवाइज भाई सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लीग की टीम यहां पर आपको मिलने वाली है। तो चलिए अब भाई आपको मैं टीम बना के दिखा देता हूं। तो यहां से अगर बात करें भाई विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो यहां से भाई आपको दिखेगा सफीर तारिक। इसके अलावा यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा मोहम्मद इमरान ओडी। मेरी टीम में मोहम्मद इमरान रहेगा, बाकी हां अगर आप चाहो तो सफीर तारिक के साथ जा सकते हो। बाकी यहां से अगर बात करें तो आगा सलमी, जो अब्दुल्ला सलीम अगर ये खेलते थे इन्हें भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं नहीं ले रहा हूं। ठीक है, यहां से अगर बात करें तो कमर हुसैन को आप अपनी टीम में रख सकते हो। एक मैच खेला भाई बंदे ने, अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इन्हें अपनी टीम में रख सकते हैं। इसके अलावा भाई यहाँ पर जो शाहरुख खामी ने, ये हमारे टीम में मस्ट ऑफ पिक रहेंगे। इवन भाई अपनी टीम में आप इन्हें एज ए CBC भी लेकर जा सकते हो। लवप्रीत सिंह बाजवा ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, बट अगर टॉप ऑर्डर में खेलता है तो किसी भी दिन अपने दम पर, अकेले दम पर मैच विन करवा सकता है, तो ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर बात करें तो बी आगा हुसैन की हमारी टीम में जगह बन जाएगी, क्योंकि भाई ताबड़तोड़ बल्लेबाज है और फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी आती है तो मैं 100% ट्राई करूंगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो जो मोहम्मद अजहर है इन्हें भी आप अपनी टीम में रख सकते हो। तगड़ा प्लेयर है बॉलिंग में, हालांकि यहाँ पर विकेट नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा यहाँ से बात करें नादिर हुसैन की, अगेन आपके लिए ठीक ठाक प्लेयर रहेगा, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, मेरी टीम में शायद जगह ना बन पाए। कामरान यार की बात करें तो कामरान यार भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहे। अब्दुल्ला हाफिज अफरीदी को मैं टीम में रखूँगा। नीचे अगर आप चलो तो रौनक फैनोली मेरी टीम में रहेंगे, दो बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इसके अलावा अगर बात करें बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर एस खटक को आप अपनी टीम में रख सकते हो, अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है तो, अदरवाइज भाई कुछ ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए जरूरी नहीं रहेगा। तैमूर भाटी को अभी के लिए मैं टीम में रखूँगा, फैजल अल्ताफ को टीम में रखूँगा। इसके अलावा अगर बात करें तो इरफान खटक को मैं अपनी टीम में रखने वाला हूँ। कैप्टनसी की बात करें, नो डाउट भाई रौनक पैनोली मेरी टीम में कैप्टन रहेंगे। VC की बात करें तो शाहरुख हामिद मेरी टीम में VC रहेंगे। बाकी हाँ अगर आप चाहो तो जो भी आगा हुसैन इन्हें भी आप अपनी टीम में VC रख सकते हो, या फिर भाई यहां से अब्दुल्ला हाफिज अफरीदी भी मेरी टीम में एज ए VC का ऑप्शन अच्छा दिख रहे हैं। अभी के लिए टीम के प्रीव्यू की बात कर लेते हैं, तो टीम का प्रीव्यू आपकी स्क्रीन पर है। ऑलमोस्ट फाइनल टीम है। कोई भी अगर चेंजमेंट होता है या कुछ भी अगर अपडेट आती है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ये मेरी स्मॉल लीग की ऑलमोस्ट फाइनल टीम है, ठीक है। बट जो ग्रैंड लीग लगी हुई है, इसके लिए भाई आपको जो चार GL की टीम मिलेंगी वो मिलेंगी टेलीग्राम चैनल पर। जैसे ही लाइनअप अनाउंस होगी, टॉस होगा, मैं आपको ग्रैंड लीग की टीम बना के प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए वीडियो पर भाई 40 लाइक का टारगेट आप लोगों को कंप्लीट करना है। उम्मीद आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, क्योंकि यार इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे थे, एक छोटा सा काम आप भी कर ही सकते हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूं मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।